हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिवा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवा अलहबदिया। दोस्तों, टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि प्रयागराज में आज जगह जगह पे भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली है। मोहतीश्मगंज की रथ यात्रा तो बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है। तो वीडियो हर बार की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको भी स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, जिसको जाके तुरंत फॉलो कर दीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। Much, much, much later. दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं मोहतीश्मगंज में। रथ यात्रा निकलने के लिए तैयार है, पूजा उजा हो रही है। चलिए आपको भी दिखाते हैं और आज जगन्नाथ जी के दर्शन कराते हैं। लेकिन एक सेकंड, भाई मिल चुके हैं घुमाकर प्रयागी, जिनका चैनल है यूट्यूब पे, उनके 100K हो चुके हैं। तो आइए उन्हें बधाई दे दिया जाए। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। बस जगन्नाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है अभी कुछ ही देर में। दोस्तों, मोहतीश्मगंज जगन्नाथ यात्रा में इस बार 3 रथ हैं, जिन्हें ताल ध्वज, दर्प दलन और नंदीघोष कहा जाएगा, जिसमें जगन्नाथ भगवान अपने बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ नगर भ्रमण और सभी को दर्शन देने निकलेंगे, जिसमें भगवान के रथ की रस्सी को खींचने की परंपरा है। और ऐसा कहा जाता है कि जो अपने संपूर्ण जीवन में एक बार भी इन रस्सियों को खींच लेता है, वह जीवन और मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। दोस्तों, यह रथ यात्रा मोहतीश्मगंज स्थित श्री मंदिर से चलकर चमेली देवी धर्मशाला, जॉनसेनगंज, लाल बत्ती चौराहा, घंटाघर, लोकनाथ होते हुए बहादुरगंज, सुलाकी चौराहा से होते हुए मुट्ठीगंज स्थित गुंडीचा देवी मंदिर, मुट्ठीगंज छोटा चौराहा पर विश्राम लेगी। गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर कहा जाता है। A few moments later. दोस्तों, अभी मैं हूँ बहादुरगंज में, जहाँ पे 0 रोड की जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। आइए दर्शन करते हैं।
high city. These are our childhood dreams. It's how we used to be when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 oh. सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए।